नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसटीएम मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे राजस्थान के मॉनसून के बारे में, क्योंकि राजस्थान में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। देर शाम को राजस्थान के कई जिलों में झमाझम भारी वर्षा देखने को मिली, लेकिन मौसम विभाग की IMD की तरफ से नई अपडेट आ चुकी है। राजस्थान मॉनसून एंट्री के साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में मॉनसून की लाइन ट्रप लेखा की बात करें तो उदयपुर अजमेर सीकर से होकर गुजर रही है और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। अगले आने वाले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई जिलों में आज रात को भी कई जगहों पर झमाझम भारी वर्षा देखने को मिलेगी। आज भी कई क्षेत्रों पर उमस भरी गर्मी का एहसास होना जरूर लगेगा। एंट्री के साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आज भी पूर्वी जिले में अगले 3 से 4 दिन तक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इधर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, बारिश से अत्यंत भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून 25 जून को राजस्थान के कई हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। मानसून की उत्तरी सीमा केवल ब्रावल, वल्लभ, विद्यानगर, उदयपुर, नौरनल और अम्बला, कटारा से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों के भीतर गुजरात, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ेगा। मानसून प्रवेश के साथ ही राजस्थान के उदयपुर, कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने कई कई जगहों पर भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जिसके बाद राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से अत्यंत भारी बरसात देखने को मिलेगी। 26 से 28 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर अत्यंत भारी बरसात देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मध्यम तो कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश, यहाँ कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 के बीच हल्की बारिश, इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश की संभावना लगाई जा रही है। इधर 30 जून तक कई स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान के कई जगहों पर भारी बारिश का आशंका लगाते हुए कई जगहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि भारी बारिश से निचले इलाकों में, अंडरपासों में कहीं कहीं जल भराव हो सकता है। सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। भारी बारिश से नदी नालों पर बने पुल व तेज प्रवाह से पानी की आवक बढ़ सकती है। भारी बारिश के चलते दृश्यता में कमी के चलते दुर्घटना की संभावना अधिक बनी रहती है। भारी बारिश के बीच कृषि मंडियों में रखे जिंस व अनाज को ढककर रखना जरूरी है, क्योंकि मौसम काफी खराब हो सकता है और किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर अपडेट आपको मॉनसून 2023 की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।